हेलो एवरी वन डी स्टूडेंट टुडे वी विल डू द वर्कशीट ऑफ चैप्टर मिस्टर नोबडी विच इज़ फ्रॉम यूनिट सिक्स फर्स्टली वी डू विल डू टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि आते ही आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो आपके रिविजन के तौर पर हम इसको कर रहे हैं सभी ध्यान देंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन आपने टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे मिस्टर नोबडी इज़ अ डैश मैन मिस्टर नोबडी कैसा मैन था स्टार्टिंग में आता है मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी एंड लिटिल मैन है ना फनी लिटिल मैन तो फनी है बिग है लिटिल है फनी एंड लिटिल तो आंसर विल बी फनी एंड लिटिल नाउ सेकेंड इज मिस्टर नोबर्डी इज एज क्वाइट एज अ डैश किसकी तरह वो चुपचाप रहता था क्रोकोडाइल माउस शाई मैन या हाउस माउस गुड नाउ नेक्स्ट इज ओल्ड डैश दैट एवरी प्लेट वॉज ब्रोकन बाय मिस्टर नोबडी हर लोग क्या मानते थे आ, देखो एग्री कि सब लोग मानते थे कि ये प्लेट मिस्टर नोबडी ने ब्रेक की है डिसग्री मीन्स नहीं मानते थे अवे मीन्स उससे धूर भाग जाते थे उसको देख के ठीक है प्रे मीन्स प्रे करना प्रार्थना करना करने लग जाते थे कि सारी की सारी प्लेट मिस्टर नोबडी ने ब्रेक की है तो इसमें आंसर क्या होगा आपका ओल एग्री दैट सब लोग मानते थे ये चीज़

एज क्वाइट चुप बिल्कुल चुपचाप रहता है नंबर टू पे आ जाएगा क्वाइट एज क्वाइट एज किसकी तरह चुप रहता है वो माउस की तरह द वो क्या करता है और शरारते करता है किसकी तरह जो माउस है वो शरारते करता है ना हुज दिस्चीफ मिसचीफ होता है शरारती करना दैट इज डन इन जो हर किसी के घर में होती है ज डन इन एवरी बर्डीज हाउस ठीक है बड़े ध्यान से देखेंगे ये जो पूरी की पूरी जो हमारी पोयम है ना उसमें से ही लाइन्स ले गई है ना नेक्स्ट इज रीड द स्टैंडा गिविन बिलो एंड आंसर द क्वेस्स आपके पास एक स्टैंडा है इसको आपने रीड करना है फिर इसकी आंसर देने हैं देर्स नो वन एवर सीज इज फेस एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी वो कहता है कि आज तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा और सब लोग एग्री करते हैं ये प्लेट मिस्टर नोबडी ने क्रैक की है अब समझना क्या आपने क्वेश्चन हु हैज़ नो वन आवर सीन किसको आज तक किसी ने नहीं देखा किस को नहीं देखा इसमें से जो इस चैप्टर में बताया गया है तो इसमें आंसर आ जाएगा मिस्टर नोब डी बच्चों आपको आते ही हैं बस थोड़ी सी रीडिंग आपने ध्यान से करनी है और आंसर स्टैंडा में से ही होते हैं हु क्रैक ऑल प्लेट्स किसने सारी की कि सारी प्लेट्स क्रैक uh, की थी इसमें भी आ जाएगा आपका मिस्टर नो ब नाउ राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज एज यूज इन द पैसेस सीज मीन्स बच्चों अगर आप यहाँ पर देखेंगे देखिए देर आज नो वन एवर सीन हिज फेस आज तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा सीज मतलब देखना इसका मीनिंग क्या होगा सी मीन्स और क्या बोल सकते हैं हम उसको लुक है ना नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम गिविन गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अब आपके पास क्या है ये भी क्वेश्चन आंसर है आपको थ्री गिवेन है थ्री वर्ड्स गिवन होंगे उसमें से आपने वन पे टिक लगाना है ठीक है हु इज मिस्टर नोबडी स्ट्रॉन्ग मैन बिग मैन लिटिल मैन कैसा था मिस्टर नोबडी लिटल मैन और आपने यहाँ पर भी लिखना है फिर लिटल मैन नाउ विद होम डज द पोइट कंपेयर मिस्टर नोबडी मिस्टर नोबडी किसके साथ कंपेयर कर रहा है पोइट जो है मिस्टर नोबडी को किसके साथ कंपेयर कर रहा है माउस कैट या रेबिट तो आंसर आ जाएगा आपका माउस है ना माउस के साथ कर रहा था ना कि वो एक मिस्टर नोबडी है जो माउस की तरह शरारते करता है ठीक है हु डज़ मिस चीफ इन द हाउस और हमारे घर में कौन शरारते करता है चाइल्ड करता है हाउस करता है या फ्रेंड माउस करता है फ्रेंड तो आपका आंसर आ जाएगा माउस है ना हमारे कपड़े कुत् देना या कुछ भी करना छोटी मोटी शरारते करते रहते हैं चूहे अगर घर में आ जाए नाउ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग अब आपने स्पेलिंग करेक्ट करनी है कौन सी आपकी स्पेलिंग होगी करेक्ट आपने देखनी है फनी 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 कौन सी राइट है इसमें बी वाले ऐसे सर्कल करना है नाउ क्वाइट दिस वन इज क्वाइट मिस चीफ मिस चैफ मिस चीफ तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा आपका मिस चीफ नाउ एवरी इसमें एग्री 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 दीज आर द राइट क्वेश्चन आंसर्स नाउ आप देखेंगे एक बार ध्यान से कि ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं नेक्स्ट इज करेक्ट कम्प्लीटला लेबलिंग यूजिंग ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू आपने यूज़ करना है इनमें देखते हैं देखिए एच ये क्या है इसके हेअ तो हमारा आ जाएगा एच ए आई आर हेय ये क्या है इसका स्कूल बैग एस सी एच डब्लो एल स्कूल बी ए जी बैग दिस वन इज टाई टी आई ई टाई और ये क्या है आपके पास बैट बी ए टी बैट शूज एस एच ओ ई एस शूज़ ठीक है बहुत ईजी हैं स्पेलिंग्स ए आई ओ यू का यूज़ है इसमें नाउ नेक्स्ट इज राइट द प्लूरल फॉर द फोलोइंग वर्ड्स हमें प्लूरल लिखना है हम अच्छे से कर भी चुके हैं पहले फोक्स फोक्स का प्लूरल क्या होगा आपका फोक्सेस ग्लास ग्लासेस टोए टोएस बीच का क्या होगा बीचिस बी एस सी एच ई एस नाउ ट्री ट्रीज केक केक्स मैंगो मैंगोज ई एस चेयर Cheer, चेयर्स ठीक है बच्चों बहुत इजी है हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर में इसमें ओवरऑल है कि हमने चैप्टर में क्या क्या कर सकते वो हो सकता है इस चैप्टर में ठीक है नाउ एड वाई टू मेक वर्ड इसने कहा है कि वाई ऐड कीजिए लाइक स्लीप प्लस वाई स्लीपी तो वाइन में अगर वाई ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आप लक में करेंगे तो एल यू सी के वाई लकी इसके पीछे आपने क्या वो जोड़ देना है वाई हेल्प हेल्दी नाउ क्लाउड क्लाउडी रेन रेनी ठीक है बच्चों नाउ राइट ए एंड एन अब आपको ए एन लिखना है ए और एन में कहाँ यूज होता है एन हमारा होगा वोवल्स के बिफोर है ना वोवल्स के बिफोर ए होगा एन होगा और बाकी कॉन्सोनेंट में ए होगा एप्पल किसकी साउंड आ रही है आपको ओ तो ओ में क्या आ जाएगा आपका एप्पल एन एप्पल नाउ बियर ब अ बियर इग्लू अग्लू इग्लू एन इग्लू, इग्लू फेस है ना मैंने आपको बताया हुआ है हिंदी के अकॉर्डिंग वहां से भी आप देख देख सकते हैं फेस अ फेस एन एलिफेंट माउस अ माउस ऑरेंज एन ऑरेंज गर्ल अ गर्ल अम्ब्रेला अम्प अ साउंड है तो आपका क्या आ जाएगा एन अम्ब्रेला हाउस ह अ हाउस ओके डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट टुडे और सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे इस चैप्टर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हो सकता था वो मैंने इस वर्कशीट में डाल दिया है सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे होपफुली सबको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें